सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हल्दी वाला दूध बहुत ही अलग तरीके से बनाने का तरीका। इस तरह अगर आप हल्दी वाला दूध बनाएंगे दोस्तों, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है एक गिलास दूध, और दूध को एक उबाल आने तक का हमें गर्म करना है। उसके बाद हम सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अगर हम अभी इस स्टेज पे कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो हो सकता है दूध फट जाए, इससे अच्छा है कि हमें एक बार बॉईल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ना ही दूध फटेगा। तो ये देखिए, दूध अच्छे से गर्म हो गया है और उबाल भी आ गया है। तो अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए दूध कितना अच्छे से हो गया है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना है कुछ दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैं 3 टुकड़े ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। दालचीनी हेल्थ के लिए अक्सर दूध में मिलाकर पिया कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कच्ची हल्दी। जी हाँ दोस्तों, कच्ची हल्दी को मैंने मिक्सर ग्राइंड में पाउडर बना लिया है। इस तरह से आप भी घर में बना सकते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी दोस्तों 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये थोड़ा सी फ्रेश है और थोड़ा सी ड्राई भी है, यानी कि ये सोड भी नहीं है और ये फ्रेश भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा था। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्रेश भी है और ड्राई भी है। तो इसको दोनों को हमें मिक्स मिल गया है इस तरह से। अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ग्रेट करना है हल्दी वाले दूध में। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर दिया है मैंने। अब इसको मिक्स करना है और इसमें शहद ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, हनी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और थोड़ा टेस्ट को मीठा करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है, कि ईजीली आप लोग इसे पी पाए और इसका टेस्ट भी मिले और इसको पूरी हेल्थ भी मिले। तो ये देखिए पूरी तरह से ये रेडी हो गया है, एक बार उबाल भी आ गया है सारे मसाले ऐड करने के बाद। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक गिलास में, और ये देखिए मैं निकाल ले रही हूँ। इसको गर्मा गर्म पिया कीजिए दोस्तों, एकदम गर्म ना हो, थोड़ा सी गुनगुना हो, और सुबह शाम पियेंगे तो भी बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप लोग को जब चाहे आप पी सकते हो। इसको बहुत ही हेल्दी होता है, इस वक्त तो आप लोग को ज़रूर पीना चाहिए। कुछ लोग हर रोज़ पीते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, हर रोज़ भी पीना चाहिए। अंदरूनी जो चोट होती है वो सारी ख़त्म होती है। इसे रोज़ पिया कीजिए रात को सोने से पहले, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों। इस तरह से मैंने आप लोग को बताया है, आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। तो मेक श्योर आप लोग दूसरों के साथ भी शेयर कर दो, और हाँ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी है हल्दी वाले दूध की। तब तक लिए बाय बाय।